व्लाद तेपेस। ये नाम आज भी सदियों बाद गूंजता है, डर और कौतूहल की फुसफुसाहट की तरह। वो एक राजकुमार पैदा हुआ था, वेलाचिया के तख्त का वारिस। कार्पेथियन पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाका। लेकिन एक राजकुमार होने के बावजूद जिंदगी आसान नहीं थी। उसके बचपन को ऑटोमन साम्राज्य के साये ने चुरा लिया था, एक खतरा जो हमेशा मंडराता रहता था और अच्छे से अच्छे दिन को भी काला कर देता था। व्लाद के पिता व्लाद ट्वाइव, जिन्हें व्लाद ड्राकुल के नाम से जाना जाता था, वेलाचिया पर ऑटोमन साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में राज करते थे। उनको हर साल ऑटोमन साम्राज्य को कर देना पड़ता था, एक कमजोर सी शांति के लिए एक बहुत बड़ी कीमत। अपनी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए सुल्तान ने व्लाद और उसके छोटे भाई रादू को बंधक बना लिया। उनको ऑटोमन दरबार में पाला गया, जंग की कला और क्रूरता सिखाई गई। व्लाद एक होशियार और काबिल छात्र था, वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और ऑटोमन युद्ध कला में माहिर था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने कैदियों की कला में महारत हासिल करता गया, उसके अंदर एक आग जलती रही, आजादी की लालसा। अपनी मातृभूमि लौटने और अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करने की तमन्ना। कैद के सालों ने व्लाद को एक हथियार में ढाल दिया, वो सख्त हो गया। उसका दिल उस क्रूरता के खिलाफ एक कवच बन गया जो उसने देखी थी। उसने किसी पर भरोसा न करना सीखा, केवल अपनी ताकत और चालाकी पर निर्भर रहना सीखा। फिर भी सतह के नीचे उसकी पुरानी मासूमियत की एक झलक बाकी थी, एक झलक जो जल्द ही बुझ जाएगी, केवल अंधेरा पीछे छोड़ जाएगी। व्लाद को आजादी का मौका सालों की कैद के बाद मिला। ऑटोमन्स ने व्लाद डी में कमजोरी भांपते हुए उनकी हत्या करवा दी। वेलाचिया का तख्त खाली था, हथियाने के लिए तैयार। व्लाद, जो अब अपने अनुभवों से सख्त हो चुका था, ने अपने भाग्य को पूरा करने का अवसर देखा। वो ऑटोमन कैद से बच निकला और वेलाचिया लौट आया। उन लोगों के समर्थन से जो अभी भी असली वारिस को याद करते थे, व्लाद ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया। वो व्लाद टी सी वेलाचिया का वोयवोदे बना, लेकिन उसका शासनकाल शांतिपूर्ण होने से कोसों दूर था। व्लाद की अवज्ञा से क्रोधित होकर ऑटोमन्स ने उसे कुचलने के लिए एक विशाल सेना भेजी। व्लाद, जो संख्या और ताकत में कम था, जानता था कि पारंपरिक युद्ध का मतलब निश्चित हार होगा। उसे अपरंपरागत रणनीति का सहारा लेना पड़ा, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करना पड़ा। उसके तरीके क्रूर थे, उसकी सजाएं पौराणिक। वो व्लाद टेपेस, व्लाद द इंपेलर के नाम से जाना जाने लगा। व्लाद की क्रूरता पागलपन से नहीं, बल्कि मजबूरी से पैदा हुई थी। वो अपनी मातृभूमि, अपने लोगों की रक्षा एक ऐसी ताकत से कर रहा था जो उन सभी को निगलने की धमकी दे रही थी। वो समझ गया था कि डर जितना भयानक था, एक हथियार हो सकता था, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसका इस्तेमाल करेगा। ऑटोमन्स के खिलाफ जंग जारी रही। व्लाद अपनी जीत के बावजूद जानता था कि वो हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। ऑटोमन सेना विशाल और अथक थी। उसे एक ऐसे हथियार की जरूरत थी, एक ऐसी शक्ति की जो जंग का रुख मोड़ सके। कार्पेथियन पहाड़ों के बीचों बीच ब्रोकन टूथ माउंटेन था। किंवदंतियों में एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया गया था जो उसके भीतर रहती थी, अपार शक्ति वाला एक प्राणी। वे उसे
मास्टर वैम्पायर कहते थे। हताश होकर व्लाद ने उसकी तलाश की। मास्टर वैम्पायर ने व्लाद को एक सौदा पेश किया। वो उसे एक राक्षस की ताकत देगा, उसके दुश्मनों को कुचलने की शक्ति देगा, लेकिन कीमत, व्लाद उनमें से एक बन जाएगा, रात का एक प्राणी, अनंत काल तक खून की प्यास का शिकार। व्लाद ने असंभव विकल्प का सामना करते हुए अपने लोगों, अपनी भूमि के बारे में सोचा। उसने मिरेना के बारे में सोचा, जिस औरत से वो प्यार करता था, और उस भविष्य के बारे में जो वो उसके साथ बिताना चाहता था। वो कीमत जानता था, उस भयानक कीमत को जो उसे चुकानी होगी। लेकिन अपने लोगों के लिए, मिरेना के लिए, वो सब कुछ कुर्बान कर देगा। उसने वैम्पायर का खून पी लिया। परिवर्तन तेज और दर्दनाक था। व्लाद ने ऐसी शक्ति का अनुभव किया जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसकी ताकत अलौकिक हो गई। वो एक साये की गति से चल सकता था, रात के जीवों को नियंत्रित कर सकता था। वो एक राक्षस बन गया था। अपनी नई क्षमताओं के साथ व्लाद ने जंग का रुख मोड़ दिया। वो अंधेरे का एक बवंडर बन गया, जिसने ऑटोमन सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर दिया। वे फुसफुसाते हुए उसके बारे में बात करते थे, उसे ड्राकल, खुद शैतान कहते थे। लेकिन शक्ति एक कीमत पर आती है। खून की प्यास एक निरंतर पीड़ा थी। वो अपने अंदर भड़क रहे काले आवेगों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता रहा। हर जीत, हर जिंदगी जो उसने ली, उसे रसातल के किनारे के करीब धकेल देती थी। व्लाद ने मिरेना की यादों को थाम रखा था। उसका प्यार बढ़ते अंधेरे में एक किरण की तरह था। यह उसकी याददाश्त ही थी जिसने उसे उस राक्षस के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने से रोक लिया था, जो वह बन गया था। लेकिन वो जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसके भीतर का जानवर हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया।